हाय दोस्तों, हम 8.1 एनसीईआरटी चालू करने से पहले एक नोट बताना चाहते हैं। इस बात का ध्यान रहे कि कर्ण सदैव ईटा के सामने की भुजा होती है। कर्ण सदैव समकोण के सामने की भुजा होती है और लंब सदैव थीटा के सामने की भुजा होती है और शेष बची भुजा हमारी आधार होती है। अब जैसे इसमें देखा जाए तो इसमें थीटा के सामने की भुजा हमारी होगी लंब और समकोण के सामने की भुजा होगी कर्ण और शेष बची भुजा हमारी क्या होगी आधार। अर्थात हम कह सकते हैं कि थीटा के अनुसार लंब और आधार तो बदलता है किंतु कर्ण सदैव वही रहता है। इस बात का ध्यान रहे कि कर्ण सदैव वही रहता है किंतु लंब और आधार थीटा के अनुसार अनुसार बदलता रहता है। अब हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी के 8.1 की तरफ। दिया है त्रिभुज एबीसी में एबी बराबर 24 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात करना है साइन ए इंटू कॉस ए। दूसरा साइन सी टू कॉस सी। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, एक त्रिभुज बनाएंगे। अब इसमें देखिए, हमें दिया एबी कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। एबी हमें दिया 24 सेंटीमीटर, बीसी दिया हमें 7 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे कर्ण नहीं मालूम, सबसे पहले हम कर्ण निकालें। कर्ण एसी बराबर अंडर रूट में लंब का स्क्वायर अब प्लस आधार का स्क्वायर। एबी दिया 24 का स्क्वायर अब प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का और होता है 576 प्लस 7 × 7 49 ऐड करेंगे आएगा 625 और 625 का वर्गमूल होता है 25, यानी हमें एसी कितना मिल गया 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग निकालेंगे साइन ए का मान। साइन ए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब ध्यान दीजिए, थीटा हमारा कौन सा होगा कोण ए, यानी थीटा हम कौन सा लेंगे कोण ए। अब थीटा के सामने की भुजा क्या होगी हमारी लंब, यानी कितना 7, और समकोण के सामने की भुजा क्या होगी कर्ण 25।
पहला आंसर। दूसरा निकालेंगे कहां से, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। यहां से देखा जाए तो आधार हमारा कौन सा होगा, थीटा के सामने की भुजा लंब हो गई, उल्टा दे दिया। यहां से मैं आधार कितना मिलता है 25, वो 24 सेंटीमीटर, 24 बटे कर्ण कितना है 25। अब हम आते हैं साइन सी, साइन सी, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लेकिन अभी हम लोग देख चुके हैं कि थीटा के सामने की भुजा क्या होगी हमारी, लंब, यानी अब ये थीटा हमारा कौन सा काम करेगा, कोण सी, तो थीटा के सामने की भुजा क्या होगी लंब, यानी कितना 24 बटे कर्ण कितना होगा 25। अब हम आते हैं कॉस सी पर, कॉस सी, कॉस थीटा बराबर होता आधार बटे कर्ण। अब ध्यान दीजिए कोण कौन सा मिलेगा सी, तो थीटा के सामने की भुजा कौन सी होगी लंब, और समकोण के सामने की भुजा कर्ण, और शेष बची भुजा क्या होगी आधार। तो थीटा के सामने की भुजा लंब हो गई, ये कर्ण हो गई, तो आधार क्या होगा 7, 7 बटे कितना 25। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसमें दिया है टैन पी माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। पी क्यू आर 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। अब यहां पर हमें देखिए थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, अब हमें यहां से अभी इसको भूल जाए क्या दिया है क्या नहीं, अभी हमें देखिए आधार नहीं मालूम है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे QR, QR बराबर अंडर में आधार बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। हमारा दिया 13 का स्क्वायर माइनस PQ में मालूम है 12 का स्क्वायर, QR बराबर 13 का वर्ग होता है 169 माइनस 12 का वर्ग 144, इसमें से घटाएंगे आएगा 25। अब 25 का वर्गमूल हो जाएगा कितना 5। अब हम लोग निकालेंगे tan p, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब ध्यान दीजिए हमें कोण कौन सा लेना है, हमें कोण लेना है p, यानी थीटा के सामने की भुजा क्या हो जाएगी लंब, यानी लंब हमें कितना मिल गया 5, और आधार कितना होगा हमारा 12। अब हम लोग निकाल लेते हैं cot r, cot theta बराबर होता है आधार बटे लंब। अब यहां से देखिए अब इस बार हमारा थीटा कौन सा काम करेगा r, थीटा के सामने की भुजा क्या होगी लंब, और ये तो समकोण के सामने की भुजा क्या होगी कर्ण, और शेष बची भुजा क्या होगी आधार। तो हमारा हो गया ये 5 बटे लंब कितना यहां से 12। अब हम लोग आते हैं मान पे, टैन पी का मान हम लोग पहले निकाल चुके हैं कितना है 5 बटे 12, माइनस काट आर का भी मान निकाल चुके हम लोग कितना 5 बटे 12, ये प्लस माइनस कैंसिल आ गया कितना 0। अब हम नंबर 3 की तरफ,
दिया है साइन ए, साइन ए बराबर 3/4। तो हमसे कह रहा है कास ए और टैन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसको लाएंगे, देखिए साइन थीटा बराबर होता क्या, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब हमें यहां से कितना मिलने वाला है 3 और कर्ण कितना मिलेगा 4। अब यहां देखिए लंब तो और कर्ण तो मालूम है लेकिन आधार मालूम नहीं, तो सब पहले निकाल लेंगे आधार। आधार बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब यहां से कर्ण देखिए, कर्ण कितना है हमारा 4, 4 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 3। चलिए 4 का वर्ग हो जाएगा कितना 16, अब माइनस 3 का वर्ग कितना 9, अब 16 में से 9 घटाएंगे आएगा कितना हमारा 7। अब यहां से